हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और टाइटल देखकर समझ आ गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जी हाँ, आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ इस क्रीम के बारे में। ऑलरेडी इस क्रीम के बारे में बता चुकी हूँ। ये है एसिलिक एसिड 20% क्रीम। 10% यूज़ कर चुकी हूँ, उसका भी वीडियो मिल जाएगा। 15 डेज़ का अपडेट दे चुकी हूँ कि कैसे इसने काम किया, उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पर मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। तो इस क्रीम को यूज़ करते करते मुझे 1 मंथ हो गया है, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है। तो मैंने सोचा एक बार अपडेट कर देना चाहिए कि अभी ये कैसे मेरे स्किन पर काम कर रहा है। तो इस क्रीम के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे यूज़ करना है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में करेंगे। तो आप भी अगर ये एजिडर्म क्रीम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो एजिलिक एसिड है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है एक्ने को दूर करने में। अच्छी बात यह है कि सिर्फ ये एक्ने को दूर नहीं करता, एक्ने स्कार्स को भी ये दूर करता है। तो मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट लेती रहती हूँ क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैं क्लिंडामाइसिन, रेटिनो और एडेप्लिन जेल, बेंजोइल परऑक्साइड सब कुछ यूज़ कर चुकी हूँ और उसके भी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। फिलहाल मैं इस क्रीम को यूज़ कर रही हूँ, रीज़न ये कि मुझे दाने तो हैं ही, साथ ही साथ मुझे स्कार्स हो गए थे चेहरे पर। तो मुझे कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेना था जो मेरे एक्ने को तो दूर करें ही करें, साथ ही साथ स्कार्स को भी दूर करें। 15 डेज़ तक जब मैंने यूज़ किया था तो जो स्टार्टिंग का 1 वीक था उसमें मेरे पिंपल और ज़्यादा बढ़ गए थे। तो मैंने सोचा अब इसको बंद कर देना चाहिए। पर कई बार क्या होता है, कई बार क्या ज़्यादातर केसेस में होता है, जब आप कोई ट्रीटमेंट लेते हो तो स्टार्टिंग में 8-10 दिन चेहरा और ख़राब हो जाता है, फिर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो मैंने उसको कंटिन्यू किया 15-20 डेज तक और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। फिर मैं अब इसको 1.5-2 महीना होने वाला है मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो एवरी डे तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि इतने ज़्यादा चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे थे। ऑलरेडी मेरे 15-20 डेज़ में ही काफ़ी हद तक दाग धब्बे दूर हो गए, एक्ने होने कम हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि एक्ने बिल्कुल आना बंद हो गए हों, कभी कभी 1-2 आते रहते हैं, पर जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी वो कम हुई। इसके साथ ही मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की कि बहुत ही कम ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो पिंपल के साथ साथ दाग धब्बों को भी दूर करते हैं, पर ये दाग धब्बों पे बहुत अच्छे से काम करता है। रेड मार्क्स हैं आपके चेहरे पे, उनको रिमूव करेगा, और ब्लैक मार्क्स हैं और पिगमेंटेशन हैं और एक्ने स्कार्स हैं, उनको ये बहुत अच्छे से दूर करता है, साथ ही साथ आपके एक्ने को, पिंपल को भी दूर करेगा। एक बात और, अगर आपका चेहरा बिल्कुल भरा हुआ है पिंपल से तब शायद ये काम नहीं करे, पर अगर आपको माइल्ड एक्ने हैं, मतलब कभी कभी 2-3-4 दाने होते रहते हैं, तब ये बहुत अच्छे से काम कर देगा। अगर आपका चेहरा पूरा बिल्कुल से भरा हुआ है एक्ने से, पिंपल्स हुए हैं पस वाले और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब ये क्रीम काम नहीं करेगी। उस केस में आप क्लिंडामाइसिन यूज़ कर सकते हैं, आप बेंजोइल परऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छे से काम करेगा। और जब आपके दाने ठीक हो जाएं फिर आप इस क्रीम को लगाना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपके दान छोटे छोटे दानों को भी दूर कर देगा और जो स्कार्स हैं उनको भी दूर करने में हेल्प करेगा। तो 1 मंथ से मैं इस क्रीम को यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं सिर्फ नाइट में यूज़ करती हूँ, दिन में मैं अपना सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ कभी मुझे ज़रूरत लगती है, पर मैं इसको दिन में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। सिर्फ ओवरनाइट मैं एवरी डे इसको लगा के रखती हूँ। फेस वॉश के लिए आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, और मैं हिमालय का जो नीम फेस वॉश है वो यूज़ कर रही थी, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन पर बहुत अच्छे से काम करता है, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं बहुत लंबे टाइम से उसी फेस वॉश को यूज़ कर रही हूँ, और क्योंकि ये क्रीम फॉर्म में है इसके ऊपर मुझे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो सिर्फ मैं यही क्रीम लगाती हूँ, उसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइज़र अलग से मैं यूज़ नहीं करती हूँ। 1 महीने से इस क्रीम को यूज़ कर रही हूँ और 1 महीने में मेरे दाग धब्बे काफ़ी दूर हो गए, जो पिंपल्स हैं वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गए। मेरा क्या है कि पिंपल तो ठीक हो गए, पर जब भी मेरे पीरियड्स आते हैं तो उसके आने से पहले मुझे ज़्यादातर गर्ल्स को पिंपल्स आ जाते हैं, तो मुझे भी आ गए थे, जो कि इसको लगाने से
काफ़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। और स्पॉट्स, वो सारे स्पॉट्स अभी भी हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क थे, पर जो लाइट स्पॉट्स थे वो तो गायब हो गए और ठीक हो गए। पिगमेंटेशन पर भी ये बहुत अच्छे से काम करता है, तो आप इसको पिगमेंटेशन के लिए, टैनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक्ने मार्क्स पर ये बहुत अच्छे से काम करेगा, पर थोड़ा लंबे टाइम तक आप इसको लगाएंगे तो और अच्छे से काम करेगा। जैसे एक महीने में इतने स्पॉट्स ठीक हो गए, बस डार्क स्पॉट्स बचे हैं, तो आप इसको कम से कम 3 महीने तक लगाइए, तब इसके आपको पूरे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। ये जो एजोलिक एसिड है, ये सिर्फ क्रीम फॉर्म में ही नहीं, जेल फॉर्म में भी आता है, सीरम्स में भी आता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको जेल्स ज़्यादा सूट करते हैं या सीरम सूट करते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऐसे ही काम करेगा। मेरे स्किन पर भी जेल्स ज़्यादा सूट करती है, पर मैंने एक क्रीम ले ली थी। तो अगर आप क्रीम यूज़ करते हो, ऑयली स्किन है, तो इसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइज़र ना लगाएं, और अगर आपको जेल मिलता है तो आप जेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा 1 month का अपडेट। काफ़ी अच्छे से मेरे स्कार्स ठीक हो गए, पिंपल भी ठीक हो गए। आपको भी पिंपल है, स्कार्स का प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल एक बार इसको ज़रूर यूज़ करके देखो, काफ़ी इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छे से काम करती है। बिल्कुल एक बार आपको यूज़ करके देखना चाहिए। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।